सरकारी प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार के लोगों की बहुत सारी आर्थिक व अन्य समस्याएं होती हैं, जिसको देखते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन पीएसए रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अलीनगर स्थित एक भवन में 9 वर्ष के पूर्व प्राथमिक स्कूल के वांछित बच्चों को यूनिफॉर्म, खेलकूद के सामान, स्टेशनरी तथा स्कूल को एलईडी टीवी और स्टील के बड़े डस्टबिन व अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसके संबंध में बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अगर इसी प्रकार से समाजसेवी संस्थाएं समाज के सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार पर कार्य करेंगे तो जल्दी कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह जाएगा तथा सभी लोगों को इस प्रकार से बच्चों को विकास के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने से और मदद करने से भविष्य में ये बच्चे समाज में मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे और इन्हीं बच्चों में कोई आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेगा। इस अवसर पर किराना कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज बंसल, अशोक अग्रवाल, रितेश जायसवाल, राजू शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेंद्र कुमार सिंह एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा, आग्रह करके आज कवियों को सभी बच्चों से आग्रह है जिसका नहीं बात मिल जाए कितना बच्चों को बाबू और जागरूक गोरखपुर और जो शिक्षा विभाग के अध्यक्ष पे जाए उनको मिले हैं और प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। और हम आपको बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट दो तरीके की स्कीम लॉन्च करती है, एक बेनिफिशरी स्कीम होती है, एक फील्ड ओरिएंटेड होती है। लेकिन कोई भी समाज उन्नति को नहीं करता है जब उस समाज के समान लोग, अच्छे लोग उस समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अरविंद जैन साहब को, अरविंद जयसवाल जी को और रोटरी क्लब के सभी सदस्यों को कि आपने जो सरकार का विजन है उसको आप लोग आगे बढ़कर पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों को हम लोग तो सुविधाएँ देते हैं लेकिन जब समाज के डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, उद्योगपति हुए, हमारे शिक्षक हुए या समाज सेवी हुए, जो ये लोग आगे बढ़ के उस फील्ड यानी उस स्थानीय व्यवस्था में क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ उछावर करते हैं। तो ऐसे उद्योगपतियों को, ऐसे समाज सेवियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये अनुरोध भी करता हूँ जैसे आप लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं। और भी हमारे समाज में बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने विद्यालयों को गोद लिया है क्योंकि सच्ची सेवा यही है कि आप बच्चे देख रहे होंगे अगर हम लोग ना करते तो ऐसा नहीं सरकार तो इनको कुछ ना कुछ सुविधाएं देती है। उसके बाद कि जो आपने काम किया तथा चौरी चौरा के शताब्दी वर्ष पे गोरखपुर जिला कार्यालय से लेकर आज ये अपना गोरखपुर एक हमारी टीम है जिसमें हमारे समाज के सम्रांत लोग सम्मिलित हैं। इसमें उद्योगपति हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज सेवी हैं। इन लोगों के द्वारा जनपद में बहुत ही अच्छी पहल शिक्षा के विकास के लिए किया जा रहा है। इन लोगों ने हमारे स्कूल्स को, प्राथमिक विद्यालयों को गोद ले रखा है और उन बच्चों को न केवल ट्रेन करते हैं बल्कि अपनी तरफ से सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। इनको कपड़े भी देते हैं, जूते मोजे भी देते हैं, खेल के सामान भी प्रोवाइड कराते हैं। और अभी हमारे इसी अपना गोरखपुर के तत्वाधान में इन लोगों ने एक स्कूल को एलईडी टीवी भी प्रोवाइड किया है। हमारे बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ भी सकेंगे। तो मैं इन समाज सेवियों का हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि ऐसे समाज सेवी हमारे गोरखपुर में हैं और इन लोगों के सहयोग से मतलब समाज के ऐसे बच्चे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनके माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं, उन पर हमारे समाज सेवी ध्यान देते हैं। तो मैं अपना सभी का आभार प्रकट करता हूँ।
हम संदेश देना चाहेंगे इस समाज के ऐसे बहुत से सम्मान लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, समाजसेवी हैं, उद्योगपति हैं, ये लोग अगर समाज से कनेक्ट हैं और ऐसे गरीब और वंचित लोगों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गोरखपुर एक उन्नत गोरखपुर बनेगा और एक श्रेष्ठ गोरखपुर बनेगा। और जो हमारे सरकार का सपना है कि सभी बच्चे हमारे निपुण हों, तो सभी बच्चे पढ़ लिख कर निपुण होंगे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। आज यहाँ पर अपना गोरखपुर के द्वारा यहाँ पर आयोजित हुआ है कार्यक्रम। ये बहुत से सरकारी स्कूल जो हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनके बहुत से बच्चे और उसके साथ साथ गोरख धर्मशाला पर गुरुद्वारा के पास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इधर उधर घूमते हैं, कुछ करते नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। ऐसे बच्चों को इन्होंने उसका शॉर्टिंग करके और गोरखपुर बच्चे पढ़ें, अच्छे बने, एक संस्कारी हों, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करके एक अच्छा कार्यक्रम अपना गोरखपुर के तत्वाधान में नितिन जी जायसवाल और उनके साथ में तमाम समाज सेवी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपने बहुत से समाज सेवी लोग हैं जिनका पूरा योगदान है इसमें, और उनके योगदान से इन बच्चों को एक अच्छे संस्कार मिलें, अच्छे पढ़े लिखें, और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इन बच्चों को कपड़े वगैरह भी अभी दिए गए हैं, कुछ और भी आइटम, खेल कूद के भी आइटम दिए गए हैं, एलईडी टीवी भी दिया गया है, तो उसके माध्यम से बच्चे अच्छा स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे होंगे और एक अच्छे संस्कारी जो बच्चे होंगे तो निश्चित रूप से देश हमारा आगे बढ़ेगा। जब बच्चे के अंदर एक अच्छे संस्कार हों, अच्छे आचरण हों, जो दिन भर घूमते हैं इधर उधर, अगर उनके अंदर एक पढ़ाई लिखाई का एक वातावरण बैठा होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आगे बढ़ेगा। और हर हमारी सरकार जो है वो जागरूक है कि हम बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और वो एक संस्कारी बने, यही आज इसका मिशन था। और यहाँ पर तमाम बच्चे भी बहुत मलिन बस्तियों से बच्चे आए थे, उनको यही है कि वो लोग अच्छे बने, अच्छे संस्कारी हों, यही भावना के साथ आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है। हमारे बीच में बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ पर आए थे और भी तमाम अपने गणमान्य लोग हैं और रोटरी क्लब से भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, समाज से भी लोग हैं, उनका पूरा सहयोग इसमें मिला है। तो इसको एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है और निश्चित रूप से एक अच्छा आगे बच्चे बढ़ेंगे, यही काम है।